नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शर्मा ऑटो डील और हमारे सामने खड़ी है बलेरो मैक्सी ट्रक प्लस गाड़ी। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये गाड़ी बिकाऊ है या कौन सा मॉडल है, कितने में मिलेगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बलेरो मैक्सी ट्रक माइलेज कितना आपको देती है और पिकअप गाड़ी कितना माइलेज दे रहती है। दोनों ही गाड़ियों में माइलेज क्या अंतर रहेगा, सिर्फ इसके बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि बलेरो मैक्सी ट्रक की माइलेज कितनी आएगी एक्जैक्ट डीजल पे, और बलेरो पिकअप की माइलेज क्या आएगी डीजल पे, और सीएनजी में क्या अंतर है वो भी थोड़ा सा बता दें। तो दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं बलेरो पिकअप के बारे में। तो अगर दोस्तों बलेरो पिकअप की बात की जाए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बलेरो पिकअप सीबीसी गाड़ी मेरे सामने खड़ी है। ये बड़ी गाड़ी होती है मैक्सी ट्रक के मुकाबले। इसकी पासिंग जो है गाड़ी की ज़्यादा है, टायर साइज बड़ा है और चेसिस भी गाड़ी की बड़ी है। हालांकि डाले की लंबाई सेम ही है, 8 फुट लंबे डाले में, और इसमें पिकअप में आपको 9 फिट का डाला भी मिलता है, लेकिन ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं 8 फिट डाले की है। और कंपेयर करेंगे 8 फिट डाले वाली पिकअप को और 8 फिट डाले वाली मैक्सी ट्रक को। 8 फिट डाले वाली पिकअप की बात की जाए डीजल गाड़ी की, तो इसकी माइलेज आपको लोकल मिलती है करीब 11-12 की, और हाईवे के ऊपर आपको ये गाड़ी माइलेज देती है 13 से 14 तक की, अगर आप गाड़ी को अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं। लोकल 11 की और हाईवे के ऊपर 13-14 की बलेरो पिकअप से आपको माइलेज मिलती है 8 फुट वाली गाड़ी से, और डीजल की ये बात कर रहा हूँ। अब दोस्तों वापस आते हैं हमारी गाड़ी बलेरो मैक्सी ट्रक प्लस गाड़ी के। इसकी डाले की लंबाई जो है इसकी भी 8 फिट की ही आती है, लेकिन इसकी माइलेज आपको थोड़ी सी बेहतर मिल जाती है, क्योंकि इसकी जो पासिंग है गाड़ी की वो कम है। हालांकि इंजन दोनों का सेम ही है, 2523 सीसी का, पिकअप का भी और मैक्सी ट्रक का भी, लेकिन इसकी माइलेज आपको थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि इसमें वजन जो है वो कम रहता है, उसकी वजह से गाड़ी थोड़ी स्मूथ चलती है। टायर साइज भी गाड़ी का छोटा है और इससे आपको माइलेज थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाती है। अगर बलेरो मैक्सी ट्रक प्लस की डीजल की माइलेज की बात की जाए, तो ये लोकल आपको 13-14 का माइलेज देती है, और हाईवे पे आपको अगर आप गाड़ी को अच्छे से मेंटेन करके चलाते हैं, ओवरलोड ज़्यादा नहीं करते हैं, तो ये गाड़ी को 15 से भी अधिक 16 तक का माइलेज निकाल के दे सकती है। तो ये तो होगी डीजल की बात। सीएनजी के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि आजकल गाड़ी बलेरो मैक्सी ट्रक और पिकअप दोनों सीएनजी में मिलने लगी हैं आपको, लेकिन उसका अभी डिटेल मैं आपको पूरे नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मैं खुद गाड़ी चलाता नहीं हूँ, और काफ़ी भाई जो मेरे को जानते हैं गाड़ी वाले भाई मेरे, उन्होंने ये उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने यही बताया कि इनमें ज़्यादा अंतर जो है वो माइलेज का देखने को नहीं मिलता है। वो माइलेज सेम ही रहती है डीजल हो चाहे सीएनजी गाड़ी हो। वो फ़र्क जहाँ पे निकल के आता है वो सीएनजी गाड़ी की गैस जो है, सीएनजी गैस जो है वो सस्ती पड़ती है और डीजल थोड़ा सा यहाँ पे महंगा पड़ता है। तो उसी में ही आपको जो है सीएनजी गैस थोड़ी सी, सीएनजी वाली गाड़ी पिकअप या मैक्सी ट्रक थोड़ी सी ज़्यादा किफ़ायती पड़ती है। तो दोस्तों मोटा मोटा आप मान के यहाँ पे चल सकते हैं कि दोनों ही गाड़ियों में पिकअप और मैक्सी ट्रक में जो मैंने आपको डीजल की माइलेज बताई है गाड़ियों की, वही लगभग आपको सीएनजी में मिलती है, लेकिन सीएनजी गाड़ी की गैस सस्ती है, इसलिए आपको थोड़ी सी ज़्यादा किफ़ायती पड़ जाती है डीजल के मुकाबले। बाकी मैं आपको, मेरे भाई जो वीडियो देख रहे हैं जिनके पास सीएनजी गाड़ी रखी हुई है, खास करके दिल्ली वाले या यूपी वाले या हरियाणा वाले, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सीएनजी गाड़ी कितना माइलेज आपको दे रही है आपकी पिकअप या मैक्सी ट्रक, ताकि हमारे बाकी दर्शकों को भी पता चल सके। क्योंकि दोस्तों हाल ही में काफ़ी नया ट्रेंड चल गया है कि आजकल जो है सीएनजी गाड़ियां ऑल ओवर इंडिया काफ़ी ज़्यादा बिकने लगी हैं। पंजाब में भी सीएनजी गाड़ी की काफ़ी डिमांड आ रही है, तो ऐसे में मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई जो है जिनके पास ऑलरेडी सीएनजी गाड़ी चल रही है पिकअप या मैक्सी ट्रक, वो थोड़ा सा हमें बताएं, ताकि हमारे बाकी भाइयों को भी पूरे भारतवर्ष में जो अलग अलग स्थान पर रहते हैं उनको भी पता चल सके अलग अलग स्टेट में कि कौन सी गाड़ी आपको ज़्यादा किफ़ायती रहेगी, ताकि उनको अपने लिए एक अच्छी गाड़ी चुनने में मदद हो सके। अगर दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा और आपको लगा कि मैंने इसमें जो आपको जानकारी दी आपके कुछ ना कुछ काम आ सकती है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें शर्मा ऑटो डील को, और ऐसे ही वीडियोज़ आपको ज़रूर देखने को मिलते रहेंगे। धन्यवाद।